ठगी करने वाले दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। माननीय न्यायालय ने आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। 3 जिलों के व्यापारियों को करीब 8-10 करोड़ रुपए का चूना लगाकर कुंभराज फरार हुए। कुंभराज के आरोपी गल्ला व्यापारी दोनों भाइयों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। आरोपियों को गुना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपियों को लेकर आ गई अब रिकवरी आदि के संबंध में पूछताछ होगी। फ्रॉड के आरोपितों की गिरफ्तारी पर व्यापारियों ने 21 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कुंभराज का गल्ला व्यापारी लोकेंद्र गुप्ता डब्बू मंडी में गल्ले का कारोबार करता था। वह अपने भाई सचिन गुप्ता के साथ जीवी पल्स मिल, शिवानी इंटरप्राइजेस और दिव्यांश इंटरप्राइजेस नामक फर्मों से मंडी के अलावा व्यापारियों से भी सीधे अनाज की खरीदी करता। अगले ही दिन गल्ला व्यापारियों ने दोनों फरार गल्ला व्यापारी लोकेंद्र और सचिन गुप्ता की गिरफ्तारी और राशि की बरामदगी पर 21 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की थी। 21 दिन बाद भी जब फ्रॉड करने वाले व्यापारियों का कुछ पता नहीं चला तो व्यापारी धरने पर बैठ गए। उसके साथ ही कुंभराज मंडी के व्यापारियों ने काम बंद कर दिया। गुना पुलिस फरार व्यापारियों की तलाश में अपने स्तर पर जुटी हुई थी, कई टीमों को लगाया था। इस बीच आरोपितों के इंदौर में होने की लोकेशन मिली। गुना पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना दी। पुलिस ने दोनों आरोपित लोकेंद्र और सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों को गुना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। ये काफ़ी बड़ा अपराध था। इसमें करीबन हमारे 40 से 45 व्यापारी इस पर प्रभावित हैं, क्योंकि इसमें लोकेंद्र गुप्ता और उसके भाई सचिन गुप्ता के द्वारा यहाँ उन्होंने धनिया खरीद और बाकी और अनाज का जो खरीद की, व्यापारियों से माल को इन्होंने करीबन हाई रेट पे ले लिया और इन्होंने लो रेट पे बेच के ये पूरा ठगी करते हुए करीबन 7-8 करोड़ रुपए का लेके ये यहाँ से चले गए। इस घटना पर 19 जुलाई को थाना कैंट और चाचौड़ा और कुमराज में अलग अलग जगह पर मुकदमा कायम हुए। इसमें मेरे द्वारा एक विशेष टीम गठित करके इसमें SDOP चाचौड़ा और CSP गुना के नेतृत्व में 2 दल बनाए और इनके द्वारा लगातार कार्य चल रहा था। ये संवेदनशील प्रकरण होने के नाते इसमें मंडी व्यापारियों की तरफ से भी पारितोषिक के रूप में 21 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे थे और इसी के चलते हुए कल इंदौर से हम लोगों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनका पुलिस रिमांड लेके पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य और आएंगे इनका रिकवरी के संबंध में तो उसका फॉलोअप प्रत्यक्ष से बताया जाएगा। अपडेट मीडिया के लिए गुना से इदरीस मंसूरी के साथ अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट।